सच्ची सच्ची बातें आज बोलेगा EMI पे बस मेरी इतनी महंगी तू खरीदे EMI पे क्योंकि छोटे कैश वाला सीन तेरे बस का नहीं गाने तो तू भी है निकालता पर पछता नहीं कहीं पे पछता नहीं है बातें जो तुम्हारे मुंह से निकले तुम जैसे बचकानों को तो यूं ही हमने रखे ढक ले फट से ढक ले तेरे चेहरे को फिर फट से वट ले वट समझ ले क्योंकि सारी पब्लिक मेरे साथ है जो चल रहा है मेरे पे उन पे तो बरसाते बरसा दे रे मालिक हे मालिक दे 40-20 खर्चे को 20 खर्चे को अकल देखो मेरे एरिया के चर्सियों के और तुम्हारे लड़कियों की तरह एकदम कोमल है सर्कल होना चाहिए लेकिन ओवल है भाई तेरा सोबर है फिर भी गेम ओवर है असली असली और तुम नकली नकली रियल शेट करने वाले तुम रैपिंग के मामले में सच्ची हो वो नए स्किल्स नए लाइंस मेरे हर गाने में लाता मैं बोले तो एकदम ध्यान से तू सुन हर गाने का मेरा मैं खुद से बनाता हूँ धुन क्योंकि पसंद नहीं रहना किसी के भरोसे पे सामने से वावा और पीछे से घोसेंगे नोचेंगे ऐसा कि दर्द भी ना होगा तुम्हें हरकतें करेंगे फिर कहेंगे कि कोमा हूँ मैं क्योंकि मैं असली असली और मैं नकली नकली हाँ ठंडा दिमाग मेरा नहीं रहता है कभी भी कुछ ना कुछ चलता रहता जैसा चल रहा है अभी भी क्या बोलूँ मैं क्या भूकूँ मैं किस बातों से उलझा हूँ मैं सुलझा दूँ मैं फिर भी ना सुलझ पाता मैं बातें बताता मैं झुक के नीचे मैं हमको जाता हूँ ऐसे वाले दिन मैंने देखी माँ के दिन अगर गिनने और गिनाने बैठू तो पिनाने पड़ेंगे ईयरफोन तेरे कानों में तुमने तेरे गानों में मेरी गिनती बेटा शानों में तेरी है बच्चे कानों में कीटानों में म्यूजिक का गुस्सों में तेरे कानों में और जानों में क्या सुनना चाहते हैं ये लोग गाने में बनाता वो भी बिना कोई रोक टोक क्योंकि नोक झोंक नहीं है मेरे पीछे किसी लेबल का इस लेवल का कम करने बोला तो अनेबल था पर एबल था मेरे लिए ना रुका किसी फेवर का घर वाले ताने मारेंगे बातें सुन के नेबर का घर वाले ताने मारेंगे बातें सुन के नेबर का वो तो चलता रहता है Yo, what is up? क्या बोलते हैं मेरे बंटा है मालूम है ना सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच सबको शुक्रिया और मैंने ये म्यूजिक वीडियो इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि ये गाना मेरा बहुत जूना था मैं EP का एक गाना था और उसका वीडियो तैयार था और क्वारंटाइन में सब घर पे पक रहे होंगे मुझे बिल्कुल पता है किसको भी घर पे नहीं बैठना है सबको बाहर जाना है प्लीज पब्लिक इट्स अ रिक्वेस्ट अपने घर पे रहो मैं गाने डालता रहूंगा घर पे बैठ के गाने सुनो घर पे रहो और दूसरी बात मैं यही करूंगा घर बैठो मालिक से माफ़ी मांगो एंड जो भी इंसान ने इस दुनिया में परेशानियां क्रिएट करी है जो भी चीज़ क्रिएट किया हमने अंडरस्टैंड करो कि हमने क्या किया है ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये दुनिया सबके लिए है हम इस कुदरत के एक पार्ट है हम नेचर के पार्ट है तो सबको जीने का हक है चाहे वो कीड़ा हो चाहे वो झाड़ हो चाहे कुछ भी चीज़ हो प्लीज़ सबको जीने का हक है किसी चीज़ को नष्ट करने के पीछे मत दौड़ो इंसान बनो सही से सोचो और अभी ऑटोमेटिक नेचर ने अपने आप एक ब्रेक लिया है तो इस ब्रेक को एक्सेप्ट करो और अपने घर पे रहो दुआ मांगो और गॉड से प्रे करके यही प्रे करो कि हम अभी से इस नेचर का ख्याल रखेंगे नेचर मदर नेचर का ध्यान रखेंगे और जैसे कि मैंने इस वीडियो में नेचर में जाके ही शूट किया है ना कि झाड़ काट के सेट बनाओ जहाँ पे झाड़ है वहाँ पे जाके शूट करो काफ़ी बेहतर रहेगा सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो नेचर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर प्लीज़ इस बात को दिमाग में रखो और सुधर जाओ पब्लिक यह अभी वक्त है थैंक यू सो मच बाकी गॉड ब्लेस एवरीवन मालिक की नज़र है सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह दुआ करो पीस आउट थैंक यू सो मच